नमस्कार, आप सभी का साईं कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12। F12 में हम सभी को पढ़ना है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। एजुकेशन में शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी का क्या योगदान है, हमने पिछले वीडियो में जाना था ICT होता क्या है, सूचना एवं संचार तकनीकी की अवधारणा क्या है, इसके बारे में मैंने बात कर ली है। और इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षा में एजुकेशन में ICT का क्या योगदान है, क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। शिक्षा के क्षेत्र में ICT सीखने और सिखाने के कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। यदि हम एजुकेशन की बात करें तो ICT का योगदान जो है बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें हम सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है इसको ICT बहुत ही तेजी से, बहुत ही तीव्र गति से इसको आगे बढ़ा रही है। इसके प्रयोग से बच्चों में सीखने की उत्सुकता भी लगातार बढ़ रही है। ICT की मदद से आप देखते हैं बच्चे जो है सीखने के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, जो कि शायद पहले कभी नहीं था। हम पहले की यदि बात करें और आज के परिदृश्य की बात करें तो जैसे ही ICT एजुकेशन में ऐड हुआ है, शिक्षा में ऐड हुआ है, बच्चे जो है सीखने के लिए और ललायत हो उठे और उनकी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है, जो कि हमें लगता है कि पहले ऐसा कभी देखने को हमें नहीं प्राप्त होता है, जो कि आज के परिदृश्य में, आज के समाज में हमें दिख रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य की यदि हम बात करें तो बच्चों के जीवन में ICT एक प्रेरक के रूप में, यानी कि एक मोटिवेटर के रूप में काम कर रहा है। ICT को आप एक प्रेरक कर्ता भी बोल सकते हैं, बच्चों के जीवन को उज्जवल बनाने में, कोई भी चीज सिखाने में ICT जो है एक प्रेरक का काम कर रहा है, एक मोटिवेटर का काम कर रहा है बच्चों के जिंदगी में। जहाँ तक मेरा मानना है, बच्चों के साथ साथ एक शिक्षक को भी सिखाने में ICT का बहुत ही अहम योगदान है। ई लर्निंग के द्वारा हम कक्षा में या कक्षा के बाहर कहीं भी पढ़ा सकते हैं एवं पढ़ सकते हैं। जैसा कि वर्तमान का जो परिदृश्य है इसमें हम सभी ऑनलाइन एजुकेशन ई लर्निंग पर ही पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं, यानी कि पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं, क्योंकि आज के परिदृश्य में, वर्तमान में जैसी समस्याएं हमारे समक्ष उत्पन्न हो गई है, इस परिदृश्य में हम एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, यानी कि क्लास में नहीं जा सकते हैं। तो आज के परिदृश्य की यदि हम बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ई लर्निंग जो है हमारे लिए कितनी फायदेमंद सिद्ध हो रही है, जिसमें ICT का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। यदि सोच कर आप देखिए, यदि ICT नहीं रहता, ICT की परिकल्पना नहीं रहती तो क्या परिस्थिति रही होती। आज आप सभी घर बैठे महाविद्यालय के मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा या विभिन्न एप्लीकेशन के द्वारा आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, अपने कोर्स को पूरा कर रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं ई लर्निंग जो है हम कहीं भी किसी भी जगह को अपना क्लासरूम बना सकते हैं, जो नहीं कि हम कक्षा कक्ष में बैठ कर ही पढ़ाई करेंगे, आप अपने घर को भी कक्षा का क्लासरूम बनाकर इसको पढ़ाई कर सकते हैं। ई लर्निंग का उपयोग जो है शिक्षकों और विद्यार्थियों के द्वारा विद्यालयों में, घरों में या किसी भी जगह पर किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, आप किसी भी जगह को, अपने घर को, अपने बगीचे को, खेत खलिहान को, किसी को भी क्लासरूम बना सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी जगह बैठकर आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ई लर्निंग में हम बिना कॉलेज गए, बिना स्कूल गए, हम घर बैठे सब कुछ सीख सकते हैं और सीख भी रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में हम महाविद्यालय तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन घर बैठे ICT के द्वारा, ई लर्निंग के द्वारा हम सब चीज़ें आसानी से घर बैठे सीख रहे हैं और अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं। सूचना एवं संचार तकनीकी के विभिन्न घटक हैं, आइए हम देखते हैं वो विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निकल का पहला भाग आपका होता है
कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी एवं दूसरा होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एवं तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन। ये तीन भाग हैं जो सूचना एवं संचार तकनीकी के आईसीटी के अभिन्न घटक हैं, क्योंकि इसके बिना आईसीटी जो है कार्य नहीं करता है। ये वेरियस कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। यदि कोई आपसे पूछ दे एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि वो कंपोनेंट कौन कौन से घटक कौन कौन है आईसीटी के, तो ये तीन जो है मेन घटक है। यदि हम आईसीटी का यूज कर रहे हैं तो हमें इन तीनों का जो है नॉलेज होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। हमें कंप्यूटर का हार्डवेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए और हमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के हम आईसीटी को अच्छे से समझ सकते हैं। आईसीटी के द्वारा हम अपने कार्य का संपादन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है। कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, कंप्यूटर के साथ साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी आते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में हमें माइक्रो कंप्यूटर का जो सर्वर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर एवं इसके साथ ही साथ कंप्यूटर के जितने इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस हैं वो सारे आते हैं। तो हमें जो है कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ दूसरा आपका है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि परिचालन तंत्र, वेब ब्राउजर, वेब पृष्ठ परिवर्तक, सर्वर यानी कि परिसेवक तथा सॉफ्टवेयर आते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर का जो इंटरनल पार्ट है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर या उसके जो भी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर, वे सभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपके आते हैं। तीसरा आपका है ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन। मानव संसाधन के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम यानी कि तंत्र प्रशासक, नेटवर्क प्रशासक यानी कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इत्यादि आते हैं। इसमें आपका इंटरनेट से संबंधित जो भी इंटरनेट प्रदाता जो होते हैं वो सभी आते हैं। तो ये तीन जो है मेन कंपोनेंट्स होता है आपके आईसीटी का। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के यदि हम उपयोगिता को देखें तो हम पाते हैं कि निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं जो कि हमें एजुकेशन में आईसीटी से प्राप्त होती है। पहला है आपका है भंडारण यानी कि स्टोरेज। आईसीटी की सबसे पहली उपयोगिता है भंडारण। एवं दूसरा है लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज यानी कि विदेशी भाषाओं का ज्ञान। हम क्या कर सकते हैं, विदेशी भाषा भी आईसीटी के द्वारा आसानी से सीख सकते हैं। और तीसरा आपका है एजुकेशनल रिसर्च यानी कि शैक्षिक अनुसंधान। आईसीटी के द्वारा शैक्षिक अनुसंधान भी किया जाता है। और चौथा आपका है एजुकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन यानी कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा। विशिष्ट बालकों की शिक्षा भी आईसीटी के द्वारा आसानी से दी जा सकती है। और इसका पांचवा और अंतिम है टीचिंग प्रोसेस यानी कि शिक्षण विधियां। तो ये पांच मेन पार्ट्स हैं, मेन गुण हैं आईसीटी के। चलिए एक एक करके हम भी पांचों को डिफाइन करते हैं। यदि हम भंडारण को देखें, स्टोरेज को देखें, तो हम पाते हैं कि आईसीटी के प्रयोग द्वारा सूचनाओं का भंडारण यानी कि इंफॉर्मेशन का स्टोरेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सूचनाओं की प्राप्ति एवं समस्याओं के समाधान में भी सहायता मिलती है। जो भी सूचना का हमें इकट्ठा करना है, स्टोरेज करना, हम आईसीटी के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। और इसको हमको प्राप्त करना हो तो प्राप्त भी आसानी से हो जाती है। मान लीजिए यदि हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आप किसी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, उस विद्यालय में 100 या 200 स्टूडेंट हैं, तो उन सब का जो डिटेल होता है, मात्र 100 विद्यार्थी हैं, तो उन सब का डिटेल जो है कहाँ रखा जाता है,
स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में आईसीटी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। जब किस व्यक्ति को भी कुछ भी समस्या होती है तो तुरंत एक क्लिक पर ही सब सूचनाएं उसे प्राप्त हो जाती है। यदि मान लीजिए इन सब सूचनाओं को यदि ऑफलाइन रखा जाता तो कितनी समय की बर्बादी होती फिर से उन्हें सर्च करने में। तो हम यह देखते हैं स्टोरेज के लिए भी, भंडारण के लिए भी हमें आईसीटी की बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। यदि हम इसका एक और उदाहरण लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि इंटरनेट के प्रयोग के द्वारा, ये भी आप एक तो हमने उदाहरण लिया कंप्यूटर, कंप्यूटर में आप डेटा स्टोर कर लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं इंटरनेट, इंटरनेट का प्रयोग। इंटरनेट के प्रयोग द्वारा हम विभिन्न पुस्तकालय की पुस्तकों को ई पुस्तकालय के रूप में बदलकर आईसीटी के माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षकों को प्राप्त करा सकते हैं, और इन पुस्तकों को वो पढ़ करके लाभ प्राप्त कर भी रहे हैं और कर भी सकते हैं। आप देखते होंगे जितने भी ई कंटेंट होते हैं, जो भी ई पुस्तकालय के रूप में या फिर ई पुस्तक के रूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि ये वीडियो अभी आप सुन रहे हैं, इस वीडियो का आप पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जहां पर आप क्लिक करके इसका पूरा पीडीएफ नोट्स ई पुस्तक के रूप में, ई नोट्स के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें आप किताब में पढ़ते हैं, जो लेक्चर आप वीडियो में सुन रहे हैं, इसका आप पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर लेते हैं। तो जो हम आज के परिदृश्य में क्या किया जा रहा है, जितने भी लाइब्रेरी हैं वो अपनी किताबों को ई पुस्तक के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। आप परिवर्तित करके उसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं, कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर इसको स्टोर किया जा रहा है। वहां से कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब उन किताबों को पढ़ सकता है। इसके लिए हमें लाइब्रेरी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, न ही किताबों को परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। ई पुस्तक के रूप में हमें सारी किताबें हमारे समक्ष आसानी से प्राप्त हो जाती है। और दूसरा आपका है लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि विदेशी भाषाओं का अधिगम, विदेशी भाषाओं को सीखना। विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए हम केवल पुस्तक पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसके लिए हमें आईसीटी का प्रयोग सार्थक सिद्ध हो रहा है, हम लोग आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं। इस संदर्भ में भाषा प्रयोगशाला यानी कि लैंग्वेज लैब, दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का प्रयोग हो रहा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो विदेशी भाषाओं को सीखना अब उतना कठिन नहीं रह गया है जितना कि शायद पहले था। मान लीजिए कि आप कोई भी विदेशी भाषा, जैसे कि इंग्लिश, अंग्रेजी आप एक विदेशी भाषा है, उसको आप सीखना चाहते हैं, तो किस वर्ड का उच्चारण हम कैसे करेंगे, ये आप केवल किताब पढ़ करके नहीं सीख सकते हैं। जब तक कि आप भाषा प्रयोगशाला यानी कि लैंग्वेज लैब या दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करते हैं, तो ये कैसे संभव हो रहा है, ये भी आईसीटी के द्वारा ही संभव हो रहा है। आईसीटी के द्वारा हम विदेशी भाषा को आसानी से सीख पा रहे हैं। यहाँ मुझे घटना याद आ रही है जो कि आप ही लोग के तरह एक प्रशिक्षु का था। एक दिन वो उसका फोन आया और वो बेझिझक आराम से अंग्रेजी में मुझसे बात कर रहा था। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि इसने अंग्रेजी कहाँ सीख ली। तब उसने कहा कि सर मैंने ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन क्लासेज ज्वाइन की है और वहाँ मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इस लॉकडाउन में मैंने इसका भरपूर फायदा उठाया और मैंने अंग्रेजी सीख ली। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने कम से कम फॉरेन लैंग्वेज जो है, विदेशी भाषा जो है, उसको हम लोग सीख रहे हैं। किसके द्वारा, आईसीटी के द्वारा। तो आईसीटी के द्वारा आप भी कोई भी भाषा, कोई चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। और तीसरा आपका है शैक्षिक अनुसंधान यानी कि एजुकेशन रिसर्च। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आईसीटी ने अनुसंधान के कार्य को यानी कि रिसर्च के कार्य को और भी अधिक सरल बना दिया है, यानी कि आसान बना दिया है। हर अनुसंधान कार्य में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संग्रह करना होता है। जब यदि हम किसी चीज पर रिसर्च करते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ता है, ताकि उनमें से सर्वश्रेष्ठ का, सबसे उत्तम का चुनाव किया जा सके।
अनुसंधान के क्षेत्र में जो है ICT का उपयोग के द्वारा फायदा ये होता है कि जो भी हम जानकारी इकट्ठा करते हैं उनमें से हम सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम का चुनाव कर लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन रिसर्च में भी ICT का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोग इसका प्रयोग कर भी रहे हैं। और इसका चौथा आपका है एजुकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए भी आपको ICT का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करना सरल कार्य नहीं होता, यानी कि आसान कार्य नहीं होता है, क्योंकि वह बालक सामान्य बालकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, विशेषकर अधिगम की दृष्टि से। जो विशिष्ट बालक होते हैं वो सामान्य बालक से अलग होते हैं। जब हम अधिगम की बारी आती है, सीखने की बात आती है, तो वो सीख नहीं पाते हैं। तो ICT का प्रयोग इन बालकों की शिक्षा में एक नया मोड़ दिया है। संप्रेषण की नई विधियां एवं उपकरणों की सहायता से विशिष्ट बालकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है, यानी कि आसान हो गई है। और इसका अंतिम है टीचिंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया। ICT के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। आधुनिक विधियों के द्वारा अध्यापक पाठ्य वस्तु को अत्यंत जीवंत बनाकर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस तकनीक की सहायता से दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना बहुत ही सजीव ढंग से किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप क्लास में प्रोजेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, प्रोजेक्टर के द्वारा आप क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक जीवंत प्रस्तुति होती है, जिससे कि बच्चे आसानी से आपके विषय के साथ जुड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा टीचिंग प्रोसेस को भी जो है ICT के द्वारा हमें सीखने में मदद मिल रही है। इस वीडियो में हमने जाना शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की क्या महत्व है एवं क्या योगदान है। बाकी हम ICT संबंधित और भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।